ये क्या है? उसने मुझसे कहा था कि वो यहाँ इस्तांबुल में किसी को नहीं जानती। हाँ हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। सॉरी, मैं आपको इतनी देर रात कॉल कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे देखा और जो बातें उसने मुझसे कही, क्या ये सब झूठ था? सब झूठ था। भले ही आप मेरी तरफ ना देखें, लेकिन आपको मेरी बात सुननी ही होगी। तो फिर बात करो, चुप मत रहो, समझी? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैं कह रही हूं, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। क्यों किया आपने ऐसा? अब से मुझसे पूछे बिना तुम इस घर के बाहर कदम तक नहीं रखोगी, समझ गई तुम? आपने ये इसलिए किया क्योंकि मैं आपकी परमिशन के बिना बाहर गई थी? आपको पता भी है आप कितने बदल गए हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि मैं कोई गुनहगार हूं। क्यों, तुम नहीं हो? नहीं हूं मैं। अगर आपको सच में लगता है कि मैं कोई गुनहगार हूँ तो मुझे बताइए कि मेरा क्या गुनाह है, बताइए मुझे। मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर ये धमकी देना, ये इल्जाम लगाना, आखिर आप चाहते क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके इशारे पर चलूं? जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूं। पर तुम तो कुछ। हाँ! मैंने आपसे कई बार कहा है, बार बार कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है,
और देखिए आपने क्या किया। एमिर तो गुस्से में आग बबूला हो गया है। इस बार हमने अच्छा काम किया है। हाँ, ये काम कर गया। थैंक्स टू यू। ओह, हमने ये साथ में किया है आंटी। मुझे बुरा लग रहा है कि मेरा बेटा उदास है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। एमिर को खुश करने के लिए जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। थैंक यू सो मच हनी, तुमने तो कमाल कर दिया। और हाँ, रेहान को बड़ा झटका देने के लिए उस लड़की की हमें जरूरत है। वो हमारे बड़े काम आएगी। जैसा तुम कहो हनी।